दूरो चौरन की। तुम क्यों रोक रही हो मुझे, जब मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम भी ये बात जानती हो, तुम क्यों रोक रही हो? ये सही नहीं है, ये गलत है। नहीं, ये सच है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं प्यार नहीं करती तुमसे। तुमने मुझे खुद बताया है, तुम खुद बहुत नशे में थी, तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे और अक्षय की जो शादी है वो सच्ची नहीं है। बस मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम उस अक्षय जैसे बंदे के साथ हो, और ऐसा क्या है जो तुम्हें तुम्हें मेरे पास आने से रोक रहा है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ। तुमने अभी बोला ना मैं नशे में थी, तो नशे में जब कोई इंसान रहता है तो वो अपने होश में नहीं रहता ना, कुछ भी बोलता है। एग्जैक्टली रणबीर, तुमने वो बात मान ली, मैंने तो कुछ भी बोला होगा कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी, है ना, नशे में थी, तो तुमने सच मान लिया मैंने कुछ भी बोला। और किसने कहा तुमसे ये शादी शादी नहीं है? शादी की है मैंने अक्षय से, ये देखो मंगलसूत्र पहना है, देखो कुमकुम है, फैमिली के साथ रह रही हूँ, और क्या करूँ? नहीं, किसी को बुलाऊं मैं ये बोलने के लिए कि ये शादी असली है या क्या? मतलब एक काम करती हूँ, अक्षय को बुलाती हूँ, उसके गले लग जाती हूँ, उसके साथ में तुम चुप दूर हो जाओ रणबीर, रुक जाओ तुम। क्या हुआ? मैं तुमसे दूर क्यों चला जाऊं? क्योंकि तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसी हरकतें करना बंद कर दो रणबीर। अगर तुमने दोबारा ऐसी कुछ भी किया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मीका को कैसे लगेगा, कौन है, मैं सब भूल जाऊंगी और तुम्हें जवाब दूंगी जो मुझे भी नहीं देना। सो प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। मैं जानता हूँ प्राची, तुम अक्षय के साथ हो, उसकी पत्नी बनने का नाटक कर रही हो, पर ऐसा करने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। पर क्या क्या वजह है? अगर मैं पूछूंगा तो मुझे बताओगी नहीं, जानता हूँ मैं, इसलिए मुझे खुद उस वजह का पता लगाना होगा और जल्दी लगाना होगा, मीका से शादी होने से पहले। क्या करने गया था किचन में मेरी बीवी के पीछे पीछे? जवाब दे, तुझसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। अपने हाथों और अपनी जुबान को लगाम में समझा, क्योंकि अगर एक बार मेरी लगाम छूटी ना तो मैं बहुत बुरा इंसान बन जाता हूँ, बहुत बुरा। मुझे बुरा इंसान बनने के लिए मजबूर मत कर अक्षय। क्या चाहता है तू? खुले आम मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करे और मैं यहाँ बैठ के तालियां बजाऊं, ये चाहता है तू? अगर मेरी बीवी की बात है तो सवाल तो तुझसे करूंगा। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा दिमाग खराब मत कर, क्योंकि देख सिंपल चीज है, कुछ तुझे पता है और कुछ मुझे पता है, और यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता, तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि हम वो कुछ नहीं को बाहर ना आने दें, ओके? क्योंकि अगर वो सब बाहर आया ना, तेरे सारे राज वाज सब बाहर आ जाएंगे। उसके बाद करता रहियो, मेरी बीवी, मेरी बीवी। असिस्टेंट आ गया, मैं दरवाजा खोल देती। मैं... अरे नहीं नहीं, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। अरे इट्स ओके ना, मैं देखती हूँ। अरे बेटा खोलने दे इसको, वैसे भी ये कोई काम नहीं करती है, कम से कम दरवाजा तो खोल ही सकते है। जा 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 जा, खोल। मामा जी, क्या कर रहे आप? दिव्या तू शोकी की बात को सीरियसली मत ले, उसकी तो आदत है मजाक करने की, जा दरवाजा खोल। मामा जी आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। तो मनप्रीत ने बता दिया है कि उसने शोकी के लिए कपड़े पसंद कर लिए, तो अब बचे रणबीर, अक्षय और अभय, इनके कपड़े देख लेते हैं, है ना? ठीक है। पानी, ये पानी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्राची बहू, तो अक्षय के लिए कपड़े पसंद करना, और मिहिका तो रणबीर के लिए, ठीक है ना? मैं ना अभी के लिए सिलेक्ट करता हूँ, देख पुत्र मेरी चॉइस। ये है मेरी चॉइस, ये ले। ये पहनने का, ये ताऊ जी कौन से जमाने के कपड़े हैं? आप रहने दो, मैं खुद से चूज कर लूंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर देखता हूँ तेरी चॉइस कैसी है, दिखा। ताऊ जी मेरी चॉइस है कूल ट्रेंडी कपड़े, अभी मैं जवान हूँ, मैं कोई बुजुर्ग थोड़ी हूँ। मैं हूँ। और वैसे भी इस घर में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? मैं। तू ही है। मैं। तो कपड़े भी उसी हिसाब के चाहिए ना, ये नहीं पहनूंगा मैं।
अच्छा तो इस घर के सबसे हैंडसम लड़के के लिए ये कैसा रहेगा? वाह ताई जी, आप एक बार में समझ गई। ताऊ जी आप भी सीखो कुछ, थोड़े मॉडर्न बनो। अच्छा तो तूने मुझे पुराने जमाने को बता दिया, हा? अब तू देख पार्टी में बताता हूँ मैं कैसा हूँ। ऑफ कोर्स मैं पहन के देखूं। हाँ, दिख दिख जल्दी दिखा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभय का तो फाइनल हो गया, अब प्राची और मी का तुम दोनों भी सिलेक्ट कर लो कुछ कूल स्मार्ट यंग। हाँ मेरा अक्षय पुत्र किसी से कम हैंडसम नहीं है, और रणबीर तो है ही मीका की चॉइस। हाँ चलो चलो सिलेक्ट करो। वो वाला देखो, वो वाला ये दिखाओ। ओहो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे अक्षय रणबीर ये देखो, रणबीर पुत्तार ये देखो, तुम दोनों के लिए ये कपड़े सिलेक्ट हुए, कैसे लगे? बहुत अच्छे, ये वाला तो बहुत ही अच्छा है। ये किसकी, आपकी चॉइस है? नहीं ये उनकी चॉइस नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है। ये मीका की चॉइस। एक्चुअली मैंने भले इसे पिक किया है, मतलब उठाया है, पर देखा मीका ने पहले था तो मीका की पसंद है, अच्छी है ना? हाँ यस यस ये मेरी चॉइस है, तुम्हारे लिए फॉर यू। बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी, आई लव इट एक्चुअली। बुआ जी ये ना इतना खास नहीं लगा, मैं कुछ और देख लूँ। हाँ हाँ कोई नहीं देख ले। प्राची ये कैसा है? Nice. Nice ना? चलो हो गया फाइनल। थैंक यू, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे कपड़े अरेंज कर लिए आपने, सॉरी मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाई। नो प्रॉब्लम मैम। मैं अभी आई। चलो एक बड़ा काम हो गया, कपड़े फाइनल हो गए, तो अब शगुन होने जा रहा है। पल्लवी जी आ रही होंगी शगुन लेके, सब लोग यही रुकना, हुँ? मैं भी बात करके आती हूँ पंडित जी से। सब नोट कर दिया? हाँ। थैंक्स। आजा पुत्र आजा, इतना आज्ञाकारी कब से बन गया तू कि माँ के कमरे में आने के लिए भी दरवाजा नॉक कर रहा है? इतना आज्ञाकारी बचपन में होता ना तो क्या ही बात थी। मैं कहती कि बाहर चला जा तो तू चला जाता, अंदर आ तो तू आ जाता। मैं कहती कि तू एस्ट्रोनॉट बन जा तो आज तू भी चंद्रयान का हिस्सा होता, और मैं अपनी सहेलियों को गर्व से कहती कि चंद्र तक जाने में मेरे बेटे का भी हाथ है। लेकिन तू है ना, तू बचपन में बहुत शरारती था, कोई बात नहीं मानता था। अगर मैं कह दूं ना कि वहां झगड़ा हो रहा है तू मत जाना, तो तू है ना अकेले नहीं पूरी मंडली को जमा करके साथ में लेके जाता था, और पुत्र खाली झगड़ा देखने नहीं जाता था, लड़ाइयां देखने जाता था तू। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुझे, माँ थी मैं तेरी। हाँ माँ थी का क्या मतलब होता है? आज भी हो और हमेशा रहोगी। लेकिन मम्मी जी आज आपको हो क्या गया? हाँ मेरी कंप्लेंट मुझसे, वो भी बचपन वाली, और कोई काम वाम नहीं है क्या? और ये क्या ऐसे लेटे हुए हो? चलो तैयार हो, आपकी बहू शगुन लेके जा रही है। क्या हो रहा है भाई? हाँ चलो मम्मी जी क्या हुआ, ऐसी लेटी क्यों हुई है आप, चलना नहीं है? नहीं पल्लवी। नहीं मतलब क्यों? अरे क्यों क्या, मैं लेटी हुई हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे हल्का सा बुखार है, ऐसे थोड़ा सा लग रहा है। अरे बुखार, बुखार कैसे हो गया आपको? अब ये मैं कैसे बताऊँ कि मुझे कैसे हो गया, मुझे लगता है कि ये ना रणबीर के चक्कर में हुआ है, उसके पीछे ना दिमाग से और शरीर से बहुत ज्यादा भागम दौड़ी हो गई है। अब इन्हें ऐसे बुखार में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं पल्लवी? वो तो है, लेकिन ये शगुन, एक काम करते ना, उनसे कह दो कि हम कल आ जाएंगे, आज नहीं आ सकते, कल वैसे भी मेहंदी है, तो साथ में शगुन भी लेके आ जाएंगे हम। हाँ विक्रम पल्लवी ये ठीक रहेगा, और मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, दिमाग को भी और शरीर को भी, राइट?
किसे कॉल कर रही हो? और किसे करेगी ये? उस घर की जो बुआ है ना, उसे ही तो करेगी। एक वही तो है जो उस घर में समझदार है। मैं दवाई लेके आता हूँ। वही संभाल लेंगी सब कुछ। इन सब के अलावा पालक सूप भी बनाना ये मांग रहे थे मनप्रीत। अगर गहनों वहनों की शॉपिंग करनी है ना, हाँ। तो अपना जो पुराना वाला ज्वेलर है उसको करने बुला, ठीक है? मैं क्या सोच रही थी, हम बाहर दुकान पे चले चले क्या, अब ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। मुझसे उल्टा बोलना ही है तूने। अरे जितनी ज्यादा चीजें देखेंगे उतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छे ज्वेलर को घर पे बुला लो, उनकी जो अच्छी अच्छी खास खास डिजाइन है वो लेके, ठीक है? उसमें से चुन लेना, मैं जड़ाऊ वाला लूंगी। अरे हाँ ठीक है, ये पल्लवी जी क्यों फोन कर रही है? हेलो, नमस्ते। नमस्ते, सब ठीक तो है ना? आप लोग आ रहे हैं ना? आप वो आने के लिए तैयार ही थे हम, लेकिन मम्मी जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हम सोच रहे थे आज शायद आना मुश्किल होगा, वैसे भी शगुन के लिए ही आना था। और अगर मम्मी जी की तबीयत खराब है, क्या हुआ? वो उनकी दीदा है ना, उनकी तबीयत खराब है। अच्छा तो, हाँ इसलिए शगुन में नहीं आ सकते आज। मैं बात करती हूँ। अरे मैं कर रही हूँ ना बात। हेलो, हाँ जी पल्लवी जी, कैसे आप? जी अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, आप शगुन की चिंता मत कीजिए, अगर आज की तबीयत ठीक नहीं है तो आप उन्हें रेस्ट करने दीजिए, हम बाद में देख लेंगे, पहले तबीयत फिर बाकी सब। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए तो आज नहीं आ रहे, अब कल देखते हैं अगर ठीक लगे उन्हें तो। हाँ तो ऐसा करते ना, हम शाम को बात कर लेते हैं रात को, और अगर तब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं लगी तो हम फंक्शन आगे शिफ्ट कर लेते हैं, है ना? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार हो गया उन्हें, एक्सर्शन हो गया ना इसलिए, बाकी और कोई सीरियस बात नहीं है, एक बार रात को बात कर लेते हैं हम, है ना? मैंने कहा ना आप चिंता मत कीजिए, हम रात में फिर से बात कर लेंगे, और किसी और चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। ऑफ कोर्स, जरूर, ध्यान रखिए। जी कर ली बात दीदी, हो गई तसल्ली? जल्दी करो, ये मांग रहे। भाई ये क्या कर रहे हो? आंखें नहीं है, दिख नहीं रहा। दिख रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या कर रहे हो। जब दिख रहा है तो बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देख रहा है मैं रेडी हो रहा हूँ फिर भी। अरे सॉरी, एक्चुअली मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप रेडी क्यों हो रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? अबे यार प्लीज बेकार की बातें मत कर मुझसे, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर ले। जब देख रहे हैं कि मैं तैयार हो रहा हूँ तो फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? भाई आप मुझे उल्टे जवाब क्यों दे रहे हो? क्योंकि तू उल्टी बातें कर रहे हैं मुझसे, समझा? मैं सीधा सीधा ही पूछ रहा हूँ आपसे कि आप तैयार क्यों हो रहे हो, कहीं क्यों जा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहीं नहीं जाना था। मुझे लगता है कि प्राची पे ना सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, चाहे कोई भी कलर हो। प्राची मुझे लगता है तुम पे ना ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। पर जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना बहुत जरूरी, और उसके लिए मुझे घर से बाहर जाना ही होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम? आप मुझसे क्यों छुपा रहे हो, बताओ ना प्रॉब्लम क्या और कहाँ जा रहे हो आप? अभय तू बस इतना समझ ले कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो थोड़ा मुश्किल जरूर, बट आई होप वो काम हो जाए, और जब हो जाएगा तो तुझे बता दूंगा, डोंट वरी। क्या हो जाए भाई, बताओ तो। मतलब ये कि अगर इस काम के लिए मैं आज ट्राई करूंगा तो हो सकता है कि वो कल जाके पूरा हो जाए। बस ये फालतू के सवाल मुझसे मत पूछ, ओके? बस विश मी लक, जस्ट प्रे कि ये काम हो जाए। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक्स। रणबीर तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या करने वाला हूँ, बस देखता जा। अक्षय टंडन हूँ मैं, और मैं किसी से कम नहीं हूँ, तुझसे तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि प्राची पे ना सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, चाहे कोई भी कलर हो।
क्या कर रही है? मीकू बोलेगी क्या करेगी तू? एक बात बता, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मतलब जितना पूछा उतना बता, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? तू बहुत सुंदर है। सच? हाँ बाबा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं ऐसे नहीं है। अच्छा बता, मैं प्राची भाभी से ज्यादा सुंदर हूँ? बोल ना। बता क्यों नहीं रही, मैं प्राची भाभी से ज्यादा सुंदर हूँ? अब तो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। बीको, पर तू ये सब क्यों बोल रही है? तू खुद को उनसे क्यों कंपेयर कर रही है? तू उन्हें पसंद करती है ना? सच बोलूं? उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, नाटक करती हूँ मैं, नाटक, सब नाटक। What? एक्टिंग करती हूँ मैं। You know why? क्योंकि मेरा रणबीर उसको कुछ ज्यादा ही इज्जत देता है, कुछ ज्यादा ही पलकों पे बिठा के रखता है। That's why I don't like her. जहर है वो, जिसे मैं खुशी खुशी गले लगाने की एक्टिंग करती हूँ। You know why? क्योंकि वो मेरे रणबीर के साथ थी और उसका जादू आज तक चलता है रणबीर पे। देखा नहीं कैसे सबके सामने रणबीर उसके लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था और वो ड्रेस प्राची मुझे दे रही थी, जो मैं पहनूंगी भी। You know why? क्योंकि वो मेरे रणबीर ने सिलेक्ट किया। अगर प्राची सिलेक्ट करती ना तो मैं नहीं पहनती। I would never wear it, never ever, because I hate her. I hate Prachi. ठीक हो जाएगा, please relax कर। देविया तू बैठी, you just wait and watch कैसे मैं उस प्राची का हिसाब करती हूँ अच्छे से। Just wait and watch. प्लीज रिलैक्स कर, प्लीज। प्राची मुझे अपने आप से दूर नहीं कर पाई, करेगी भी कैसे? मैं उसके इतना करीब हूं, मैं उसके दिल में रहता हूं और वो कभी मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकते। भाई क्या हो गया आपको, क्यों पी रहे हो इतना? देखो इतना मत पियो वरना प्राची भाभी को पता चल जाएगा कि आपने पी रखी है। और फिर तो फिर क्या हो जाएगा? और कैसे पता चलेगा तेरी प्राची भाभी को? हम दोनों साथ में तो सोते नहीं, तो कैसे पता चलेगा? बता भाई, ऐसे गलत बोला मैंने? यही पड़ा रहता हूं ना तेरे कमरे में, क्या गलत बोला मैंने? भाई थोड़ी सिचुएशन समझो, है ना, प्लीज इतना मत पियो। अबे तू समझ यार, तू समझ, मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। प्राची के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मुझे एक बात समझ नहीं आती यार कि उसको मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता? मैंने कितना कुछ किया उसके लिए, उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है यार। मुझे प्यार क्यों नहीं करती वो? मैं तो बहुत प्यार करती हूं वो। मैं रणबीर से प्यार करती हूं, बहुत बहुत प्यार करती हूं। आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ रणबीर से प्यार किया, पर मैं उसे बताऊंगी नहीं, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। कि जब जब मैंने रणबीर को बताया है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, जब जब अपने प्यार का इजहार किया है, तब
तब तक उसने मुझे बदले में सिर्फ और सिर्फ दुख दिया, आंसू दिए हैं, धोखा दिया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत दर्द। नहीं, अब और दर्द नहीं, अपने प्यार को खोने का दर्द, किसी से जुदा होने का दर्द, बस बहुत हो गया यार। अब मुझे खुशियां चाहिए, मैंने बहुत सह लिया और कितना करूंगा यार, अपने आप को और कितना मारूंगा, बस अब मुझे अपने हक की खुशियां चाहिए और उन खुशियों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे भी खुशियां चाहिए, अपने हिस्से की सारी खुशियां मैं लेके रहूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। मुझे भी मेरे हिस्से की खुशियां चाहिए, मेरी खुशियां, और उनके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी, मैं अपनी खुशियों के लिए लड़ूंगी, और मेरी खुशियां, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी खुशी, और मेरी खुशी है मेरी अपनी बच्ची, मेरी बेटी की खुशी और प्राची, और मेरी खुशी है प्राची, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। भाई करने क्या वाले हो आप? दोपहर में आप कहीं गए थे, क्या करने गए थे? कल सबको सब कुछ पता चल जाएगा। कल जब मैं घर वापस आऊंगा ना, तो देखना प्राची को मुझसे प्यार हो जाएगा। अरे वो छोड़, सबके सामने मेरा हाथ तक पकड़ेगी, लेकिन ये जो भी कुछ होगा कल होगा, कल। अरे खाती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? पहले खा लो फिर। माँ ये इतना ठीक है ना, और माखन के लिए आपको आना पड़ेगा, मैंने खीर की तैयारी कर ठीक है ठीक है। मिश्री है कि नहीं? ब्यूटीफुल है ना मीका? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं खाऊंगी, पहले प्राची भाभी की हेल्प करूंगी तभी कुछ खाऊंगी। भाभी मुझे कुछ हेल्प कर दो। फूलों की रंगोली बनानी? बना लो, यहाँ बना लो। मनप्रीत। हाँ जी। ये गोपाल जी के गहने और वस्त्र हैं, सारी सजावट हो जाएगी उसके बाद उन्हें पहना देना, ठीक है? जी दीदी। प्राची रुई पकड़ा दे। बड़ा सुंदर है, कितना प्यारा कलर है। अरे वाह, हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। अरे सेम टू यू। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? क्या बात है भाई, आज सबको काम करना है? हाँ हाँ, आज प्रेम का दिवस है ना, आज कृष्णा जी पैदा हुए थे और वो तो हमेशा सच्चा प्यार ही करते थे। तो बताइए ना, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? तुम रंगोली बना दो। अरे आई लव रंगोली। हाँ? तुम्हें आती है? अरे चैंपियन हूँ, बचपन से रंगोलियां बनाता आ रहा हूँ। ओ वाह, तुम तो इतना अच्छा बना रहे हो, और एक अक्षय भाई, उन्हें कुछ आता ही नहीं है। आई नो राइट, तब भी प्राची ने अक्षय से शादी कर ली। कैन यू इमेजिन? सॉरी। पता है पुत्र, तू अब भी प्राची से प्यार करता है, लेकिन प्राची तो भूल गई तुझे, पढ़ लिया भी, और तू उसे नहीं भुला पाया।